अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप टू ऑल 50th नेशन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इट्स बीन कपल डेज के GS150 खड़ी रही, आज इसको निकाला है क्योंकि इसका आज बड़ा एक मेन काम मैं कराने लगा हूँ और वो है जी इसकी सीट। आप यकीन करें कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी जवाब देगी है बैठ बैठ के। तो अभी इसकी सीट मैंने जो है वो खुलवा ली है। ये इसकी सीट की लुक है, ये कंपनी से सीट आती है इस तरह की। अभी फ़िलहाल जो है ना इस पर ये लगा हुआ था ऑलरेडी इस पर, लेकिन ये भी इतना कोई ख़ास नहीं था। मेरी जो बैक है उसमें काफ़ी पेन होना शुरू हो गई थी, ये अभी इसके ऊपर इस तरह का पीस लगा हुआ था, ये मैंने उतरवा दिया। अभी इससे हमने काम करना है कि जो पिछला बंदा इसके एक और मसला भी है कि पिलियन जो बैठता है जब भी आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो वो बंदा आगे आ जाता है। इसकी हमने हल्की सी कटिंग करके यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्म की लेयर बिछाएंगे और देखते हैं फर्दर के एडजस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर। इसकी सीट को हमने आज कम्फर्टेबल करना है, सो स्टे ट्यून्ड। नॉर्मल हाइट पे करें ना, नॉर्मल हाइट जितनी हाइट थी ना इतनी इसके बरक्स आ जाए ना, इससे आप देखना एडजस्टमेंट दिखने कितनी बनती है, एक इंची है कितनी है। अच्छा, यहाँ से मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि जब ये जो आपने देखी ना थिकनेस, इसकी 2 से 2.5 इंच की जो थिकनेस है, ये आपने अपने हिसाब से सेट करनी। जब आपने बैठना है उस पर देखना है यार, अभी इसकी मैं टेस्ट राइड लूँगा और मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से मैं एडजस्टमेंट कराऊँगा। यहाँ से मैं पार्ट को कट कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से थिकनेस से एडजस्ट करूँगा, उसके बाद फर्दर जो है इसके ऊपर हम जो है बिछा देंगे इसके लेदर, नया किस्म का इसका कवर बिछा देंगे और जब ये कंप्रेस होगा अच्छी तरह ना फिर सही सीट निकल के आएगी आपसे। लेकिन यहाँ से कट करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपने तौर पे जो है सेट करनी है। ठीक है, लोग सीट मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, वो जिनसे स्प्रे लगेगा नेट कवर और इंस्टॉलेशन के बाद आपको मैं बताता हूँ। तो ये लगता है कवर मैंने लगने दी है, तो फिटिंग तो नहीं आ रही लेकिन ये कि बिल्ली से पूछी रहेगी सीट एटलीस्ट।
ये इसके लुक है। ओके जी, सो आई एम सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल, आई कैन टेल यू दिस इज रियली कंफर्टेबल नाउ। फ्रंट पे बैठे, बैक पे बैठे, और मुझे उम्मीद है कि बैक पे बैठने से पता स्लिप नहीं होगा आगे। बाकी लुक वगैरह तो आपने देख ली इसकी, सारी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे फुल तो नहीं आता, लेकिन ये कि चलो बिल्ली के बंदे से बचे रह गए। कॉस्ट की बात कर लेते हैं, लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 4000 के अराउंड जो है इसकी कॉस्ट पड़ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब इज अवेलेबल फॉर मोर फ्रॉम प्रोडक्ट कंटेंट, एंड आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड। अब टोर्स पे जो है इसका से रिव्यू देंगे। टेक केयर, अल्लाह।